रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 टेबलस्पून बटर, 1 teaspoon जीरा, 2 chopped garlic, 1 कटी हुई शिमला मिर्च, 1 कटी हुई प्याज, 2 कटे हुए टमाटर और आधा कटा हुआ खीरा। और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट। इन सारी सब्जी को अच्छे से पकाना है 2 मिनट तक। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। आप पानी ज्यादा भी डाल सकते हैं, अपने पास्ता के अकॉर्डिंग डाल लेना पानी। अब हम इसमें धोए हुए पास्ता डालेंगे। अगर आपको लगता है इसमें और पानी डालना चाहिए तो आप डाल सकते हैं। अब हम इसे ढककर बॉईल करेंगे 3 मिनट तक। आप इसमें कोई और वेजिटेबल्स भी ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना आपको ये कैसा लगा। हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स एंड सीजनिंग और बस हमारा पास्ता रेडी है।